स्वागत है फिर से आपका नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं FTC की वैकेंसी जो आई है उसी से रिलेटेड। ये जो है सुजुकी मोटर्स गुजरात के प्लांट के लिए वैकेंसी रहने वाली है, तो आप जो है इंटरेस्टेड हैं तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। कहाँ पे आपको जाना है, कैंपस प्लेसमेंट में एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो जो है सारा वीडियो देखेंगे तभी आपको सारी जानकारी समझ में आती है। जैसे आपको बताया, इस चैनल पे जो है ITI से रिलेटेड, रेलवे अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड हम सारी जानकारी देते हैं। तो एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के बारे में हम बताते रहते हैं, तो आप जो है सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुजुकी मोटर्स, ये जो है महसाना गुजरात का प्लांट है। इसमें जो है क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके 10th में 40% मार्क और उसके बाद जो है आपके ITI में 50% मार्क होने चाहिए। ये वैकेंसी केवल मेल कैंडिडेट के लिए रहती है, तो आप फीमेल हैं तो आप एलिजिबल नहीं रहने वाले हैं। ये वैकेंसी आपको बता दें FTC और गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप रहने वाली है, यानी कि FTC और जो है अप्रेंटिसशिप रहेगी। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 26 इसकी एज लिमिट रहने वाली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है पास आउट ईयर, कौन कौन से ईयर के पास आउट कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं, तो 2018, 19, 20, 21, 22, 23 के पास आउट कैंडिडेट जो है इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। इसमें जो है आपके पास डॉक्यूमेंट की बात करें तो आधार कार्ड, फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 10th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है तो उसमें आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ सभी जो है डॉक्यूमेंट में सही होनी चाहिए। यानी कि जैसे आपके 10th में डॉक्यूमेंट में है सारी चीज़ें, आपका नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, उसी तरह जो है आपके आधार कार्ड में भी होना चाहिए। और जो है बता दें आपको कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं, तो जो है इसमें टर्नर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, ट्रैक्टर मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, सीट मेटल और PPO की, इसमें जो है फिटर, इलेक्ट्रीशियन, MMB भी एलिजिबल रहने वाले हैं। और जो है बता दें आपके सैलरी की, सैलरी जो है FTC कैंडिडेट के लिए रहने वाली है 21,500 रुपये। FTC कैंडिडेट जो रहेंगे उनके 21,500 रुपये रहेगी, गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप करेंगे उनके 14,700 रुपये रहेगी। इनहैंड सैलरी की बात करें FTC की तो 15,200 रुपये रहेगी, जिसमें PF, ESI सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। इसमें आपको डॉर्मेट्री की चार्ज यानी कि रहने के लिए दिया जाएगा, तो उसमें जो है चार्ज आपसे कुछ लिया जाएगा, लगभग 1,000 रुपये तक आपसे चार्ज लिया जा सकता है। ये कैंपस प्लेसमेंट जो है न्यू KP ITI यानी कि प्राइवेट ITI एरा श्री टोला एरा अपोजिट बस स्टैंड एरा डिस्ट्रिक्ट भोजपुर बिहार में एक कैंपस प्लेसमेंट लगाया जा रहा है। कब लगाया जा रहा है वो भी आपको बता दें, ये कैंपस प्लेसमेंट जो है 3 अप्रैल 2024 को बुधवार को लगाया जा रहा है। तो आप जो है 9:30 बजे पहुँच जाइएगा और इसके बाद जो है से एक बिहार में ही कैंपस प्लेसमेंट लगाया जा रहा है, ये सुजुकी मोटर्स का ही, वो आपको बता देते हैं। ये कैंपस प्लेसमेंट लगाया जा रहा है डॉक्टर आर दयानंद प्राइवेट ITI जगदीशपुर नायका टोला मोर बिहिया रोड डिस्ट्रिक्ट भोजपुर बिहार में। तो ये जो है बिहार में ये भी लगाया जा रहा है, ये भी लगाया जा रहा है 3 अप्रैल को एरा में लगाया जा रहा है, और 3 अप्रैल को ही यानी कि जो है दयाल प्राइवेट ITI जगदीशपुर में लगाया जा रहा है। तो जो है आप एलिजिबल हैं, सारी एलिजिबिलिटी हैं तो आप इसमें जा सकते हैं और उसके बाद जो है आप जॉब पा सकते हैं। जैसे आपको बताया इस चैनल पे जो है ITI रिलेटेड, रेलवे अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड हम सारी जानकारी देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करिए और उसके बाद जो है ज्वाइन